नमस्कार दोस्तों, कार क्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और जबरदस्त रिव्यू अपकमिंग कार मारुति ऑल्टो इको। मारुति कंपनी का व्हीकल लाइनअप बहुत ही जोरदार है। एक से बढ़कर एक सेगमेंट की व्हीकल कस्टमर्स के दिल और दिमाग पर राज कर रही है। मारुति कंपनी ने इंडिया में 800 सीसी मारुति लो बजट कार से इंडिया में अपनी शुरुआत की थी और मध्यम वर्गीय परिवारों के स्कूटर से कार तक का सपना साकार किया था। अभी तक कंपनी ने इस एंट्री लेवल सेगमेंट में राज किया है, पर बढ़ते कॉम्पिटिशन रेनॉल्ट क्विड, डैटसन रेडिगो, हुंडई ईऑन से कंपनी की पकड़ कुछ ढीली हुई है। कंपनी कंप्लीट मॉडल रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल्टो 800 सीसी वर्जन का करने जा रही है और जल्द लॉन्च करने वाली है न्यू जनरेशन 660 सीसी ऑल्टो इको विद न्यू हाई एंड टेक्नोलॉजी इंजन ग्लोबल अप मार्केट ओवरऑल फीचर्स के साथ। न्यू जनरेशन न्यू इंजन की हाईलाइट होगी, मोर फ्यूल एफिशिएंट और कंप्लीट सेफ्टी एंड एमिशन रेगुलेशन नॉर्म्स को पूरा करेगा। प्लस भारत स्टेज 6 व्हीकल होगी। यह व्हीकल 100% डेफिनेटली एंट्री लेवल सेगमेंट सिनेरियो को चेंज कर देगी। इस वीडियो में न्यू जनरेशन 660 सीसी ऑल्टो इको के फर्स्ट कंप्लीट इंजन ऑप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, सेकंड एक्सटीरियर फीचर्स प्लस डिज़ाइन, थर्ड इंटीरियर फीचर्स, फोर्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स और लास्ट में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, एक्सपेक्टेड प्राइस, वेरिएंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट बात करते हैं इंजन ऑप्शन और स्पेसिफिकेशन की। न्यू जनरेशन अल्ट्रा रिफाइंड पावरफुल 3 सिलेंडर 12 वाल्व 660 सीसी का पेट्रोल इंजन अवेलेबल होगा जो जनरेट करेगा 52 bhp की पावर 6500 rpm के ऊपर और 63 nm टॉर्क 4000 rpm के ऊपर। ट्रांसमिशन की बात करें, 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स और 5-speed ऑटोमेटिक में अवेलेबल होगा। ग्लोबली ये व्हीकल 2-wheel प्लस 4-wheel ड्राइव में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में ये 2-wheel ड्राइव में अवेलेबल होगी। माइलेज की बात करें तो जबरदस्त 37 km/h ARI सर्टिफाइड कंपनी माइलेज क्लेम करती है। यह एक रिलायबल ट्राइड और टेस्टेड इंजन है, जापान में 10 साल से यूज हो रहा है। सुजुकी मोटर्स इसे वैगन आर सोलियो और न्यू हसलर मिनी कॉम्पैक्ट SUV में सक्सेसफुली यूज कर रही है। सेकंड व्हीकल के डिज़ाइन और एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो कार JDM डिज़ाइन पर बेस्ड है और डिज़ाइन इंस्पायर्ड है फ्रॉम मारुति जेन एस्टीलो एंड मारुति A-Star प्लस रेट्रो डिज़ाइनिंग। क्रॉसओवर लाइक स्टैंड दिया गया है टू टारगेट रेनॉल्ट क्विड। बिग बोल्ड फ्रंट बम्पर अवेलेबल है विद फ्रंट लार्ज ग्रिल प्लस बिग एयर डैम अवेलेबल है। हेलोजन हेडलैम्प्स अवेलेबल हैं प्लस रियर में स्टाइलिश बम्पर अवेलेबल है, स्टाइलिश रियर टेल लैम्प्स अवेलेबल हैं प्लस स्पॉइलर अवेलेबल है जो व्हीकल को स्पोर्टी लुक देता है। बॉडी कलर्स बम्पर, बॉडी कलर्स ORVM प्लस बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स अवेलेबल है। व्हील बेस की बात करें तो 2460 mm का व्हील बेस है। टायर साइज 145/80 13 inch के टायर विद स्टील व्हील प्लस फुल व्हील कवर्स अवेलेबल हैं। ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम अवेलेबल है। सस्पेंशन फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग प्लस रियर में टॉरिजन बीम टाइप कॉइल स्प्रिंग अवेलेबल है। व्हीकल ओवरऑल बहुत ही आई कैचिंग अट्रैक्टिव डिज़ाइन प्लस स्टाइलिश इंटीरियर में अवेलेबल है। थर्ड फीचर व्हीकल के इंटीरियर और कंफर्ट फीचर्स की बात करें तो कंप्लीट न्यू डिज़ाइन ड्यूल टोन प्रीमियम इंटीरियर एंड न्यू डिज़ाइन स्लीक डैशबोर्ड अवेलेबल है। अब मार्केट लेटेस्ट फैब्रिक अपॉल्स्टरी यूज़ की गई है। सीट्स कंफर्टेबल हैं विद अंडर थाई एंड लंबर सपोर्ट। ऑल 4 पावर विंडोज प्लस पावर स्टेयरिंग अवेलेबल है जो अपग्रेड किया गया है, पहले से ज़्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। टर्निंग रेडियस व्हीकल का 4.2 meters है। 4 door स्पीकर्स के साथ म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है जो सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ को, ऑक्स कनेक्टिविटी को एंड टॉप एंड वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है जो सपोर्ट करेगा ऑक्स को, USB को, ब्लूटूथ को, FM रेडियो को, नेविगेशन को एंड रियर पार्किंग कैमरा डिस्प्ले को। मैनुअल AC और हीटर अवेलेबल हैं बिग नॉब्स के साथ। रियर पार्किंग कैमरा अवेलेबल है रियर सेंसर्स के साथ। एक 12 वोल्ट का मल्टीपर्पज़ पावर सॉकेट अवेलेबल है प्लस ऑक्स और USB पोर्ट भी अवेलेबल है। डे एंड नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर अवेलेबल है। इंटीरियर में रूम लैम्प भी अवेलेबल है। कैबिन स्पेस पहले से इंक्रीज कर दी गई है। रियर में एम्पल लेग रूम हेडरूम अवेलेबल है। रियर पार्सल ट्रे अवेलेबल है प्लस रियर सीट 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल अवेलेबल है। मारुति ने ऑलरेडी अपकमिंग कार ऑल्टो 660 सीसी पर वर्किंग स्टार्ट कर दी अपने मानेसर प्लांट के अंदर
और स्पाई इमेजेस ऑफ JDM स्पेसिफिकेशन ऑल्टो की टेस्टिंग इंडियन रोड्स पर देखी गई। फोर्थ फीचर व्हीकल के सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो व्हीकल बिल्ट अप है हाईटेक प्लेटफॉर्म पर, जो व्हीकल को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाता है बट लाइट इन वेट होता है। फ्रंट में ड्यूल एयरबैग्स अवेलेबल हैं, ABS और EBD स्टैंडर्ड होगा यानी बेस टू टॉप एंड वेरिएंट तक अवेलेबल होगा। हेडलाइट लेवलर फीचर अवेलेबल है, दैट इज हेडलाइट बीम की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर लॉकिंग प्लस रिमोट लॉकिंग का फीचर अवेलेबल है। कार में दो कीज अवेलेबल होंगी, एक सिंपल और एक रिमोट की। रियर पार्किंग कैमरा, रियर सेंसर्स, रियर वॉशर और वाइपर अवेलेबल होगा। 12 Stage 6 एमिशन नॉर्म्स को पूरा करेगा। फ्रंट में फॉग लैंप्स अवेलेबल हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 660cc वेरिएंट पास करेगी फ्यूचर भारत NCAP के सारे टेस्ट को। फ्यूल टैंक कैपेसिटी व्हीकल की 27 लीटर की है और ग्राउंड क्लियरेंस 155mm का है। लाइट वेट प्लेटफॉर्म एंड लो कैपेसिटी पावरफुल इंजन ऑफर करेगा हाई फ्यूल माइलेज ऑफ 37 km/L प्लस लो ऑन एमिशन नॉर्म्स एंड लाइट इन कर्व वेट व्हीकल विल लीड टू वेरी एफिशिएंट पावरफुल पिकअप एंड ओवरऑल पावरफुल परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो नवंबर 2018 में एक्सपेक्टेड है ये व्हीकल लॉन्च कर दी जाएगी और शोरूम में शोकेस कर दी जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 2.8 लाख बेस वेरिएंट से 3.8 लाख टॉप एंड वेरिएंट तक एक्स शोरूम अवेलेबल होगी। न्यू ऑल्टो अपने मॉडर्न हाई एंड इंजन, लाइट वेट प्लेटफॉर्म, लेटेस्ट ग्लोबल फीचर्स प्लस मॉडर्न अट्रैक्टिव इंटीरियर फीचर्स, स्टाइलिश एक्सटीरियर्स, 12 Stage 6 लाइट वेट प्लेटफॉर्म और स्मॉलर पावरफुल इंजन प्लस हाई माइलेज, मारुति ब्रांड एंड मारुति सर्विस नेटवर्क विल लीड टू दिस व्हीकल टॉप एंड बेस्ट एंट्री लेवल सेलिंग कार इन इंडिया और ये कार होगी द बेस्ट माइलेज कार इन इंडिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।